नेक्स्ट जो स्पेशल टाइप का ग्लास है वो है ग्लास इंसुलेटर। ग्लास इंसुलेटर सब लोग ओपन कर लिए हैं। तो ग्लास इंसुलेटर क्या है कि इसका यूज, ग्लास इंसुलेटर का यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए करते हैं। हम लोग पहले भी पढ़े कि पोर्सिलिन इंसुलेटर, जो इंसुलेटर होते हैं वो ट्राइएक्सियल बॉडी के बने होते हैं, क्ले क्वार्ट्ज फेलिस्पार के। यहाँ पे हम लोग जो हैं वो ग्लास इंसुलेटर को पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे इंसुलेटर जो कि ग्लास के बने होंगे, जो ग्लासी मटेरियल के बने होंगे। हम लोग जानते हैं कि ग्लास भी एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर प्रोडक्ट है या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बॉडी है। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बॉडी होने के कारण इसका भी यूज़ हम लोग इंसुलेटर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इस ग्लास के इंसुलेटर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्लास का रॉ मटेरियल होता है उसको जो है हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करते हैं। तो ग्लास के रॉ मटेरियल के रूप में हम लोग जैसे सोडा, लाइम, सिलिका पाउडर के मिक्सर को मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद इसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन के बाद जो भी हमारा मेल्ट तैयार होता है उसको हम लोग जो इंसुलेटर के मोल्ड होते हैं उसमें डाल करके सडन कूल करते हैं। कूल करने के बाद जिस मोल्ड में हम लोग डाले हैं वैसा शेप का फॉर्मेशन हो जाएगा। उस शेप तो उस शेप के फॉर्मेशन हो जाने के बाद, कूल करने के बाद उसको हम लोग उस मोल्ड से निकालते हैं तो हमें बॉडी, एक इंसुलेटर बॉडी ऑब्टेन हो जाती है। उस इंसुलेटर बॉडी को फिर हम लोग फिनिश कर देंगे। फिनिशिंग के बाद एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग के बाद जो है हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। तो हमारा फाइनल जो है प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, ग्लास इंसुलेटर। ग्लास इंसुलेटर जो है वो उसका रेजिस्टेंस जो होता है या उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो 1.5 टाइम्स हायर होता है सिरामिक इंसुलेटर के कंपेयर में। जो सिरामिक इंसुलेटर या पोर्सिलिन इंसुलेटर होते हैं उसके कंपेयर में ग्लास इंसुलेटर जो है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1.5 टाइम्स हायर होते हैं। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं फ्लो करने का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी हायर होता है। लगभग जो है इसका 500 KB/cm से लेकर के 1000 KB/cm होता है। तो ये दो एडवांटेज होते हैं ग्लास इंसुलेटर के। एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो इसकी मैकेनिकल ड्यूरेबिलिटी होती है ग्लास की वो कंपेरेटिवली कम होता है सिरामिक इंसुलेटर या पोर्सिलिन इंसुलेटर के तौर पे। तो एक देखिए डायग्राम में दिया हुआ है कि लेफ्ट साइड आप लोग देखिए अलग अलग टाइप के इंसुलेटर बनाए गए हैं अलग अलग मोल्ड में कास्ट करके। फिर उसको जैसे ही कहा कि कास्ट होने के बाद, सॉरी, मेल्ट को डालने के बाद मोल्ड में हम लोग सडन कूल कर देते हैं। कूल करने के बाद इसको निकाल देते हैं। फिर इसको हम लोग चेक करते हैं या फिनिश करते हैं। फिर एनिलिन करते हैं। एनिलिंग के बाद इंस्पेक्शन करके यूज़ करते हैं या पैक करते हैं। सेकेंड में देखिए इसके एप्लीकेशंस दिए हुए हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में इसका यूज़ करते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज थे ग्लास इंसुलेटर का ओवर द पोर्सिलिन इंसुलेटर। तो जहाँ पर क्रिटिकल एप्लीकेशंस की ज़रूरत होती है, जहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा चाहिए, कुछ क्रिटिकल्स एरियाज हैं, तो वहाँ पे हम लोग इस ग्लास इंसुलेटर का यूज़ करते हैं।